गौ माताओं की सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला गोरक्षा प्रमुख अर्पण चावला व उनकी टीम ने रेडियम कॉलर सड़क पर बेसहारा घूमती गौ माताओं के गले में पहनाना शुरू किए हैं। ये रेडियम कॉलर रात को वाहन की रोशनी से 200 मीटर दूरी से चमकने लग पड़ते हैं और वाहन चालक सचेत हो जाता है कि आगे सड़क पर कोई बेसहारा गौवंशज है। इससे गौवंशज और वाहन चालक दोनों ही सुरक्षित हो जाते हैं। रेडियम कॉलर धुंध हो या बारिश, हर परिस्थितियों में चमकता है। गौ माताओं की सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला गोरक्षा प्रमुख अर्पण चावला व उनकी टीम ने रेडियम कॉलर सड़क पर बेसहारा घूमती गौ माताओं के गले में पहनाना शुरू किए। ये रेडियम कॉलर रात को वाहन की रोशनी से 200 मीटर दूरी से चमकने लग पड़ता है और वाहन चालक सचेत हो जाता है कि आगे सड़क पर कोई बेसहारा गौवंशज है। इससे गौवंशज और वाहन चालक दोनों ही सुरक्षित हो जाते हैं। रेडियम कॉलर धुंध हो या बारिश, हर परिस्थितियों में चमकता है। अर्पण चावला ने बताया कि अभी तक 345 गौ माताओं को रेडियम कॉलर पहनाए जा चुके हैं और उसके बाद जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। यहां पर महीने में प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय लोगों और निस्वार्थ गौ सेवकों की सहायता लेकर गौवंशज की महीने में 15 से 20 गौवंशज की मलहम पट्टी और फिर गौशाला में गौवंशज को पहुंचाने का कार्य करना पड़ता था। अब रेडियम कॉलर पहनाने से दुर्घटना में भारी कमी आई है और दुर्घटनाओं का महीने का ग्राफ एक या दो गाय का रह गया है। रेडियम कॉलर लगाने से दुर्घटना में भारी कमी आई है और रेडियम कॉलर गौवंशज के लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। दिन पर दिन गौ माताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आए दिन हमारे गौ सेवक इनकी मलहम पट्टी कर रहे हैं, गौशालों में पहुंचा रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक रेडियम कॉलर जो कि चमकने वाली पट्टी है गौ माता के गले में पहनाना शुरू किया था। पिछले दो महीनों में हम लोगों ने 345 गौ माताओं को रेडियम कॉलर पहना दिए हैं और इसका एक चमत्कारी नतीजा हमारे सामने आया है। पिछले दो महीनों की अगर बात की जाए तो 2 से 3 गाय की एवरेज खड़ी हो चुकी है रेडियम कॉलर के कारण। रात को चमकते हैं, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, इसका बहुत अच्छा परिणाम निकल के सामने आया हुआ है। दुर्घटना में बहुत भारी कमी आई है लेकिन अभी भी लोगों द्वारा गौ माताएं छोड़ी जा रही हैं। ये गहन चिंता का कारण है, इसके लिए प्रशासन को भी उचित कदम उठाने होंगे।